दर्शकबिंद नमस्कार, कार्यक्रम में अपन विशेष में अपने के हार्दिक स्वागत करी छी। अखन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के अखन आब प्रचार प्रसार के समय आबि गेल छै। उम्मीदवार सब घर घर जाकर टोला टोला में जाकर अपन प्रचार प्रसार के घर दिलो कार्यक्रम के तीव्रता देने छथिन। एक किस्म से देखल जाए तो आब चुनाव के माहौल घनघोर जे माहौल होइ छै उ पसरैत जा रहल छै। किछे समय आबि छै प्रचार प्रसार के लेल, वह 14-15 दिन हेतै, ते दुआरे हिनका सबके उम्मीदवार सबके अखन के रफ्तार, हिनका सबके सक्रियता दिन राति किछु नहि बुझके सब लागल छथिन। बात छै अखन देश भर के विभिन्न ओहन निर्वाचन क्षेत्र सब, चाहे ओ प्रतिनिधि सभा दिस के होय चाहे प्रदेश सभा दिस के होय, अनुभवी सांसद भऽ चुकल, मंत्री भऽ चुकल नेता सबके युवा उम्मीदवार सब चुनौती के रूप में देखल जा रहल छै। एहने धनुषा के क्षेत्र नंबर 3 के क प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र के बात कयल जाय तो दू गोटे प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार सब, जिनका सब में उमेर के सेहो, जिनका सब में राजनीतिक सक्रियता के सेहो बहुत अंतर छै, लेकिन प्रतिस्पर्धा में छथिन। एक दिस सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस के जिला सभापति भऽ चुकल, जीविसो सभापति समेत चला चुकल, तेकर बाद संसदीय निर्वाचन समेत लड़ चुकल, तेकर बाद प्रदेश सांसद भऽ कऽ एखन के निवर्तमान कही भौतिक पूर्वाधार मंत्री आ मध्य सरकार के मंत्री परिषद में दोसर वरीयता में राम स्वरूप यादव जी जे अखन प्रदेश में चुनाव लड़ल छथिन, हुनका संगे जसपा नेपाल एकटा युवा उम्मीदवार के जसपा नेपाल आ एमाले गठबंधन से उतारने छै। हुनका सेहो अपन क्षेत्र में नीक अनुभव छै, मधेश प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के स्वकीय सचिव के रूप में समेत काम केने अनुभव छै। हुनका एकटा युवा उम्मीदवार के उतारने छथिन आ ई क्षेत्र में दुनू गोटे के चर्चा छै जे अतेक राजनीतिक अनुभव के एकटा जे भिन्नता छै, एकटा गैप छै आ दुनू गोटे के प्रतिस्पर्धा छै, ई की रंग लेतै, अखन 4 गते बाद के सिनारियो की बनतै, सब गोटे के उत्सुकता के विषय छै। आइ हमरा सबक अतिथि छथि जितेंद्र यादव जी जे जसपा नेपाल से उम्मीदवार छथिन। अपने के स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। अपने के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में ओनारो उम्मीदवार सब छै, लेकिन गठबंधन के हिसाब से देखल जाए तो दू गोटे उम्मीदवार सब अपने सब चर्चा में छै। गठबंधन के मत से एक वैल्युएबल मत होइ छै, तो एक अनुभवी व्यक्ति जोड़े जे एकदम जीविसो के सभापति चलेने छथिन, राजनीति करैत आबि रहल छथिन, कांग्रेस के जिला सभापति चलेने छथिन, सांसद भऽ कऽ मंत्री भेल छथिन, राजनीतिक दाव पेच जनने छथिन, अपने एकटा युवा उम्मीदवार के रूप में आयल छिए, की प्रतिक्रिया आबि रहल क्षेत्र में? सबसे पहले जे अखनो प्रश्न उठेलिए वह हमर स्टैंड थे, हमर राजनीतिक या हमर चुनाव में जाय के लेल एकटा मुद्दा के रूप में एकटा अतेक अनुभवी या अतेक दिन से विभिन्न पद में लाभ लक या विभिन्न अहाँ के जना जिला विकास के सभापति किया कि नहीं हुए, या अहाँ के प्रतिनिधि सभा हुए या अखनो मंत्री के रूप में किया कि नहीं हुए, जनता अपेक्षा केने रहे इनका से, लेकिन जनता के अतेक दिन के मतलब उम्मीद के पानी फेर के जे प्रयास भेले उहे एकटा की भेले हमरा लेल, एकटा युवा के कहलिए अहाँ अपने युवा के लिए एकटा बहुत बड़का अवसर के रूप में लेल जाए। एहि दुआरे कि जनता के माझ में जै तरह से जनप्रतिनिधि बन के काज करना चाही वो काज नहीं कर सकलखिन, और जनता में एकटा निराशा है कि जै तरह से पार्टी भी मजबूत, व्यक्ति भी अपने आप के बुझल के राजनीतिक हिसाब से ठीक, लेकिन कतौ ने कतौ की भ गेलै कि दुनू चीज गुमा लेलके। ई परिणाम की है कि जन जन में एकटा आवाज कथी है कि परिवर्तन के सोच चल गेलै, और परिवर्तन के सोच के माध्यम के तहत जितेंद्र यादव की प्रस्तुति है, जे जितेंद्र यादव स्वयं अपने आप में एकटा युवा है, युवा शक्ति के रूप में संपूर्ण युवा सब हमरा साथ दऽ रहल छै, मात्र ओतबे नहि बौद्धिक व्यक्तित्व सब हमरा साथ दऽ रहल छै कि एकटा ईमानदार गरीब बेटा के जे कथु एकदम स्वच्छ रूप में अगाड़ी बढ़ल है, ते अनुसार से जै तरह से अपने जे प्रश्न के लिए जे अइ अनुसार से अहाँ के उम्मीदवारी किया है, हम कहली कि जनता के काज करे के लेल जनप्रतिनिधि होइ छै, जनता के सेवा करे के लेल जनप्रतिनिधि होइ छै, जनता के विश्वास जीते के लेल जनप्रतिनिधि होइ छै, लेकिन विश्वास गुमा के फेरो पुनः चुनाव में एनाय हम ओकरा कम्पिटिशनो नहि कहै छी, कम्पिटिशन में आयल छथिन सेहो नहि कहै छी, दिखाइयो नहि दऽ रहल छै हुनकर। ताहि दुआरे जनता के लहर है,
एवाड़ी परिवर्तन के हिसाब से साझा उम्मीदवार के रूप में जसपा और नेकपा एमाले के साझा उम्मीदवार के रूप में एक गरीब के बेटा ठाड़ है। हमारा विश्वास है संपूर्ण जनता हमारा मत देते से हमारा विश्वास है। राम सरोज यादव के विकल्प खोजते से अपने केना सोचली लोग? वो जनता के देखे छे हम घर दिलों में जब आशीर्वाद लेब जाए जन जन में आशीर्वाद लेब जाए वो ये प्रतिक्रिया है कि राम सरोज आज तकली की कलके कि भाई भाई में झगड़ा लगेलके मुद्दा मामला करलके थाना फौदारी करबेलके मारपीट करबेलके। जब समाज में मुद्दा मामला मारपीट जय झगड़ा अगर हुए समाज तो अशांति के रूप में जिले अखन तक जखन ते समाज आक्रांत हेते तखन ते की हेते ओ यानी शिक्षा के स्तर बढ़ते कैला तो सामाजिक रूप से मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं ते दुआरे शिक्षा में ओकरा पहुँचे नहीं पुगते की होते मानसिक रूप से वो यातना में रहते वो यातना एते दिन से यातना पीड़ा सही सही के अखन तक घुटन के परिस्थिति में देखल के क्षेत्र नंबर 3 क के खास तौर पर जनता जे बहुसंख्यक जनता है 70% जनता गरीब जनता है। एक गरीब जनता के ऊपर शासन करे के लिए एक शासक के रूप में हैकमवादी प्रवृत्ति के रूप में जे तरह से प्रस्तुत भेले जनता के ही वही वही विकल्प खोज रहल है कि मतलब क्षेत्र नंबर 3 में शिक्षा के स्वास्थ्य के विकास के स्तर नहीं उठले राजनीतिक चतुराई राजनीतिक दावपेच एकरा पकड़ धर पकड़ करके एक छोड़ाब की काज मात्र से कह अपने वो तो प्रमाण है अखन तो देखे अपने मीडिया कर्मी साथी छी मीडिया तो राष्ट्र के चौथो अंग है संविधान तो चौथो अंग है अपने के संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराब के अपने अधिकार संपन्न एक संचार कर्मी छी। हम अनुरोध करे चाहबे कि अखन तक में जहिया से राजनीतिक में जीवन यात्रा वो तय कलखिन राजनीतिक जीवन यात्रा में समाज में कतेक मुद्दा मामला या पावर के सत्ता के दुरुपयोग केने है से छरलंगता देखनाई आवश्यक है जनता के। जनता आखिर पेलके कथी राजनीतिक तो बहुत दिन से कलके लेकिन जनता की पेलके हम बहुत पढ़े छी लेकिन फेल भ जाए छी। एक अर्थ है हमर पढ़ाई में कमजोरी है हमरा अपने आप में कमजोरी हमर मानसिक अवस्था ठीक नहीं है तै दुआरे हम अय के जनता ई बुझ लेलके कि वास्तव में कहबे तो राजनीतिक मतलब एकदम घृणा के रूप में राजनीतिक नेता सबके लेब जाए हम घर दिलो जो करे छी तो कहे छी आप नेता सब एलै घर में अते दिन कत छलै तो हमरा कह पड़े जे अहाँ हमरा कहियो वोट दिली हमरा चिन्हने रही हमरा वोट दिली तो कहे नहीं अ बारी हम बेटा के वोट देब हमरा बुझाइए जे हमर कल्याण हैत। हम अ विश्वास के साथ अ प्रार्थना अरे आशीर्वाद के साथ हमर जन जन दिन प्रतिदिन हमर विश्वास बढ़ रहा है ते दुआरे हम जनता मालिक के हम एकटा विश्वास लेने छी कि जनता मालिक होइ छै जनता के सेवा करना हमर नैतिक कर्तव्य है। अगर राजनीतिक में आयल छी त राजनीतिक जीवन यात्रा में आयल छी त और जनता के जे मनोविज्ञान है जे मनोभावना है अ भावना के विपरीत जेबे त समाज के हम कोनो हिसाब से सेवा नहीं कर सकै छी ते दुआरे हमरा विश्वास। नरेंद्र जी अपने के राजनीति यात्रा के विधिवत शुरुआत एहन क्षेत्र से भ रहल है जत के जनप्रतिनिधि एक चुनाव जीतलखिन संजय शाहजी जेल में छथिन तकर बाद राजेंद्र महतो जी चुनाव जीतलखिन एत आबिक मधेश आंदोलन के राप ताप में चुनाव जीतलखिन उ निक काज नहीं कलखिन से हम नहीं कह लेकिन अत से फिर से चुनाव नहीं लड़लखिन से उपराग तो है जनता के जो अत नहीं रहलखिन चल गेलखिन अपने से एक नया एक्सपेरिमेंट छ तैलक लेल एक अनुभवी नेता के विकल्प में अपने तो नया चेहरा छी नया एक्सपेरिमेंट छी तो सब दिन इस क्षेत्र के जनता एक्सपेरिमेंट करते परीक्षण करते असफल होते रहते तो एकर क्षेत्र के फिर की हेतु हम धरती के धरसा जिला के एक बेटा छी और जनकपुर के जहिया जिला विकास में रहे तहुओ के राजनीतिक परिस्थिति हमरा मालूम है। हम एक चीज की कह चाहिए कि क्षेत्र नंबर 3 के जनता अब वो जनता नहीं रह गए जे शासक के शोषण हमेशा सहित रहते। क्षेत्र नंबर 3 में एक आवाज उठाब के लिए जितेंद्र यादव आये हैं और जितेंद्र यादव क्षेत्र नंबर 3 के परिवर्तन के रूप में आगाड़ी बढ़ल छे। ते दुआरे हम ई कह चाहब जे के एले के गेले उनका से पूछे वाला सवाल है। हम अपन बात करब त
तो हम जनता के साथ प्रतिबद्ध एहि दुआरे छी कि जीवो करबै तऽ क्षेत्र नंबर तीन में जीवे और मरबो करबै तऽ क्षेत्र नंबर तीन में मरबो और जनता के सेवा कर मतलब लक्ष्य उद्देश्य लगायल छी क्लियर अपने को उम्मीदवारी से प्रत्याशित नहीं छै अपने तो 2 वर्ष अगाड़ी रही कह देने तै दुआरे तो क्लियर तीन में उम्मीदवार बनल तै दुआरे हमरा भले प्रतिनिधि सभा अपने कहने रहिए लेकिन कहने तो रहिए जे हम तीन सर राजनीति करब तै प्रत्याशित से होने छै ओहे अपने प्लान तहत आयल होबे तब प्लान तहत स्वाभाविक छै एटा लक्ष्य राजनीति के एकटा सेवा है राजनीति एकटा धर्म है अगर सेवा और धर्म के अपनत्व अगर करी और जनता के भगवान अगर बुझी तो निश्चित तौर पर कोनो प्लाने होते हमरो उद्देश्य है कि क्षेत्र नंबर तीन में बहुसंख्यक जे जनता है बहुसंख्यक शोषित पीड़ित जनता है ओकर उत्थान के निमित्त हमर उम्मीदवारी है और जनता समाजवादी पार्टी और नेकपा एमाले दुनू गोरा विश्वास के नहीं हमरा ते दुआरे हमरा एहि लक्ष्य के साथ ही हम अगाड़ी बढ़ल छी निश्चित रूप में जे तरह से जनता के लहर है विश्वास है वो विश्वास कायम रहते से हमरा एक बहुत बड़का विश्वास मिलल है और दोसर बात कतः है अखनो जाल झेल दुनियादारी देखते हमें अखन कखन तो केकरो मार करवा दे कखन तो मुद्दा लगवा दे इस सारा खेल खत्म 18 गते के बाद हुआ वाला है और जनता स्वतंत्र हुआ वाला है मान लिया जनता जनता स्वतंत्र हुआ वाला है जनता एक वास्तव में प्रजातंत्र अखनो क्षेत्र नंबर तीन में आयले नहीं छे लोकतंत्र आयले नहीं छे ये अनुभूति करियो अपने सब विश्लेषण करियो तै दुआरे लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए आहुति देवे वाला जितेंद्र यादव भी है आज 16 वर्ष मात्र न जीवन काल अगर हमर कहबे तो 2050 साल हम 49-50 के बैच छे 50 साल में जे तरह से हम राजनीतिक यात्रा तय कैली भले ही हमर पृष्ठभूमि दोसर रहे लेकिन जब मधेश आंदोलन के बाद जहाँ तक रहले तो हम एकटा अधिकार के लेल एकटा जातीय मुक्ति के लेल एकटा पहचान के लेल और एकटा लोकतंत्र धर्म धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करे के लेल जे तरह से हमर योगदान जते है हमरा बुझाइए जे हमर अपोजिशन है वह अपोजिशन हमरा आगू में किछ नहि कैला परिवर्तन हम सब केने छी जहियासँ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र निर्माण भेल है एहि परिवर्तन के एकटा आर में एकटा मुद्दा में कोनो शक्ति अगाड़ी खड़ा सामू खड़ा नहीं भऽ सकैए ताहि दुआरे ओ स्पष्ट नीति और विजन के साथ जब हम संघीयता के स्थापित कऽ लेबै तऽ निश्चित तौर पर हम विकास भऽ जेतै मधेश के समृद्धि कऽ लेबै ताहि दुआरे ई विश्वास आत्मविश्वास के साथ जनता अगाड़ी हमरा साथ दऽ रहल छथिन और सबसे पहिल बात रहतै हमरा अखनो देखबै जे जखनो जे घर घर में जे जाए तो बाहर से बहुत सुंदरता लगे है क्षेत्र नंबर तीन में बुझाई विकास के लहर बाहर में लेकिन जब भीतर में जे जेबे तो अहाँ के वास्तव में अगर भावनात्मक बात करी तो रौं खराब हो जाए छे कि एहन अवस्था में अखुन तो जनता केना जीवित कर रहल है जहिया राज्य सत्ता में सब दिन पहुँच में रहले राज्य सत्ता के सब दिन वह हाली मोहाली रहले लेकिन अखन तक पहुँच नहीं होना है न शिक्षा में पहुँच है न स्वास्थ्य में पहुँच है बेरोजगारी ओतबे है अहा के 65% मतलब 65% जनता बाहर छे और 65% जनता मतलब युवा सब बाहर काज कर रहल है वही के महिला सब के अवस्था अगर देखी बच्चा सब के अवस्था देखी तो ये वास्तव में दयनीय छे अहा के काना के मन करत कि वास्तव में हम अपने देश में अपने क्षेत्र में हम सब एहन पिछड़ल में छी ते दुआरे ऐ सारा चीज के निर्मूल करे के लेल हमरा अभियान के रूप में ई चुनाव में है रह गेल जनता मालिक है विश्वास जनता पर है और जनता की करते जनता नंबर 3 के जनता बहुत पृथक एक्सपेरिमेंट सब कहने छे नहीं कहने छे से बात नहीं छे एखन अपने घर दलो में छी वोट मांगे थबे कोनो बुढ़िया दादी अपने से ई कह दे बुआ एले त बड़े बड़े लोग एले राजनीति कैलके सब जितेबो के लिए जब ऊ सब किछ नहीं कर सकलक है तो तू करबह तेकर की गारंटी है हमरा कहे है बुढ़िया दादी सब देखत हे हमर सामाजिक संजालों में बहुत ही बात आवित होते बुढ़िया दादी सब गाल पकड़ ले कहे बेटा आयले नेता कहाँ कहे हमरा कहे बेटा आयले किछ करते कोनो भगवान रूपी कतु कोनो पठेने हेतै ककरो
ताहि दुआरे हमरा एहि चीजके हमरा ई भऽ रहल हँ, हमरा अपने आपमे भी भावुकता भऽ जाइए। अपने चुनाव जितबै लेकिन जै समूहसँ अपनेके प्रतिस्पर्धा अइ ओहि समूहके जीत कऽ अपने सफल पर जनप्रतिनिधिके रूपमे काम करऽ सकबै से गारंटी केना दै छी अपने? ई गारंटी हम अखन कोनो गारंटी नहि देबै जनताके, हमर काम ही हमर गारंटी है, हमर कर्म ही हमर गारंटी है। हमरा तऽ अखनो परीक्षाके घड़ीमे जा रहल छी, हम तऽ चुनाव अखनो जनताके परीक्षामे है, लेकिन हमर परीक्षा तऽ शुरुआत पाँच गतेसँ हेतै। हम परीक्षा देबै, हमरा बुझाइए जे हम पास हेबै तब ने परीक्षा दऽ रहल छी। ताहि दुआरे जनताके विश्वास एहि दुआरे है, एकटा की भऽ रहल है कि एक्सपेरिये जतेक मतलब एक्सपेरिमेंट भेल है क्षेत्र नंबर तीन में, ई एक्सपेरिमेंट सब केहन व्यक्ति सब एक्सपेरिमेंट केने है और केहन व्यक्ति सब पराजय एक्सपेरिमेंट में फेलियर भेल है, तो वास्तव में अहू के खोजी भऽ रहल है। बौद्धिक जगत में अतिक चर्चा है कि वास्तव में जितेंद्र यादव एक अपने आप में एक ईमानदारिता है, आप में अपने आप में एक विश्वास है और अ ईमानदारिता और विश्वास ही हमारे कथी है परीक्षा है। ताहि दुआरे हमरा विश्वास है जे हमरा जनता अगर हमरा जनप्रतिनिधि के रूप में अगर चयन करिए, चयन करता वो विश्वास है और हम विश्वास करवावा चाहे छी जे जै क्लस्टर सब जे नीचा है, जे समुदाय सब नीचा है, जे आर्थिक विपन्नता है, युवा सब के देखै अवस्था देखै छी, महिला सब के अवस्था देखै छी, अगर सबके उकासव्य हमर मतलब अगर अगुवाई रहत और ई प्रतिबद्धता मात्र अखन दऽ सकै छी, हम झूठ के नहीं कहबै जे हम ई सड़क बना देबो, हम ई कऽ देबो, हम ओ कऽ देबो, हम एना भऽ जेतै, हम उन बहुत देखै छी अखन बाटे बहुत चीज अहाँ देखनीतियो होबै, बड़ा चर्चा परिचर्चा भेलै कि नेपाल के एकटा जनरल नॉलेज में लिखा मतलब लिखायल जे मुखियापट्टी मिश्रणिया जे वास्तव में कहबे जे भूगोल के हिसाब से सबसे नीचा है, व्यू टावर के निर्माण कल के प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सीधा कल के वास्तव में एक अगाड़ी बढ़ाव पर व्यू टावर भूई टावर भ गेले एक अर्थ कथी है तो जनता बुझी। हम विरोध नहीं करना चाहब, अहाँ जनता अपना स्वयं बुझ रहा है, ओतबे मात्रे ने जहिया के जनप्रतिनिधि रहे छी तो निश्चित तौर पर बुझाए कि जनप्रतिनिधि के अनुसार से वही विकास हो, वही के जनता के उकासी कैला तो वही प्रतिबद्ध भ कर अहा के प्रतिनिधि के रूप में लागल। लेकिन व्यू टावर कतेक सार्थक छे? मुखियापट्टी मुसरनिया जे सार्थक नहीं रहे, हम विभिन्न समाज चाहे शिक्षा चाहे हम विभिन्न सामाजिक संजाल के माध्यम से जी विभिन्न सामाजिक संजाल के माध्यम से हम विरोध केने रही। हाँ, हमर सामाजिक संजाल या हमर जे फेसबुक वॉल है वहाँ देख सकै छी, जनता देख सकैए जे हम कहने रहिए जे ये गरीबी है जी, जे ये बेरोजगारी है, वही तो शिक्षा और स्वास्थ्य के सबसे पहुँच होना चाहिए। और अतबे मात्रे ने अगर व्यू टावर अगर 17 करोड़ में बने हैं तो 17 करोड़ में कम से कम छोटका छोटका उद्योग कल कारखाना निर्माण तो दिखावे वाला किछो चीजे नहीं, वो तो अहाँ की देखेबे? ताहि दुआरे हम कह चाले लेकिन बचकना अदूरदर्शिता कोनो दल के संसद दल के नेता सहभागिता सरकार में थ्रेट अइ सारा चीज के रखते हुए मंत्री परिषद या मध्य प्रदेश सरकार की कलके ल ठीके है व्यूए टावर हो तो हमको जो व्यूओ टावर तो बन जाना चाहिए ना, मतलब की है कि आश्वासन मतलब सरकार अपने सबके नेतृत्व आश्वासन थ्रेट अभी नहीं नहीं अ दुआरे हम ओत नहीं जोड़ चाहे छी, आश्वासन के बात करे छी, आश्वासन बाट के नहीं हुई काम क जनता के सेवा क अहाँ के की हुए विश्वास जीत पड़े। ते दुआरे हमर उम्मीदवारी कोनो आश्वासन के लिए नहीं है, हमर उम्मीदवारी विश्वास के लिए, हमर उम्मीदवारी एक कर्म के लिए है, हम सेवा करब से प्रतिबद्धता मात्र। अच्छा जितेंद्र जी, अपने सब नेकपा एमाले आ जसपा दूटा दल के सझिया उम्मीदवार, दोसर दिस देखल जाए तो एत प्रतिनिधि सभा जितने लोसपा एकदमे वर्चस्व रहल नेपाली कांग्रेस माओवादी नेकपा एस ई चारिटा प्रभावशाली दल सबके गठबंधन छै, मतांतर बहुत बुझा रहल है, दलो कत दूटा कत चारिटा बुझा रहल है, ओहि अवस्था में अपने कहै छी हम जीतब, अपने के जीत के आधार की है? एकेटा आधार है आत्मविश्वास और जनता मालिक। ये दल गठबंधन दल नहीं बुझे ये लोग, ये बुझे है जे हमरा भविष्य 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 अपन भविष्य खोजे संभावना खोजे
मतलब गठबंधन काज नहीं लगते से कहे छे हमर ए एमरो हमर बात नहीं है, ए जनता के बात हम कह रहल छी। जनलहर एक एक तरफ है, जनलहर ई है कि जतेक शोषित वर्ग है जे एकदम शोषण में पड़ल है एक खोजी में है, भ सके ये गठबंधन के उम्मीदवार सिलेक्शन में कमजोरी भेले होत, गठबंधन के उम्मीदवार सिलेक्शन ही गलत भ सकैए, लेकिन हम गठबंधन के बात क्या करब, उनकर उम्मीदवारी है, लेकिन जनता का ई है जे गठबंधन के उम्मीदवार के सिलेक्शन ही गलत ही कहे, तो अहू सब की भ रहा है हमारे एक आधार बन रहा है, अई आधार के हम सब विश्वास के रूप में कन्वर्ट करब, ये तो पार्टी से उठ के अखनो जनता बात कर रहा है, इन्हीं देखे ही कथी है, अहा के लोसपा के बात करो चर्चा रोजा पड़ते तो अपने के रोजते से कहे अपने विश्वास है। अच्छा अपने जसपा नेपाल के मधेश के सचिव से हो छी, मधेश प्रदेश समिति के, आप एखन मधेश प्रदेश में नेकपा एमाले जेकरा अपने सब सब दिन विरोध के लिए मधेश के विरोधी छे, संघीयता के विरोधी छे, के पी शर्मा ओली ओकर नेतृत्व के पार्टी संगे आइ अपने सब गठबंधन केने छी, जनता तो अवश्य अपने सब पूछित होत जे बौ आइ कौन साथी खोज कैला तू जेकरा सब दिन तू विरोध करे छल गरियबै छल। हम एक टा बात सत्य बात कह, आइ अहा के मीडिया मार्फ संपूर्ण हमर जतेक मतलब मधेश प्रदेश होए, हमर क्षेत्रवासी होए, क्षेत्र नंबर तीन क के जनता भगवान किया कि नहीं होए या देश में किला नहीं हो या विदेश में किला, एक टा चीज बात कथी करब कि ईमानदार शत्रु बेईमान मित्र से नीक होइ छै, जो ईमानदार शत्रु ईमानदार यह तहाँ सचेत रह आ जो मित्र बेईमान है तहाँ कतो न कतो अहाँ के घाटी काट सके, यही अवस्था देख ली यथार्थ है। अहा हमरा जेहने प्रश्न के लिए से हम एटा कह दिली हम जे हम मन में कोनो ये कोनो मन में रह के हमने बात करी छी, हम कह दिली ने स्पष्ट रूप से जे ईमानदार दुश्मन से बढ़िया दुश्मन मतलब बेईमान मित्र से बढ़िया हो जाए, अर्थात बेईमान मित्र से नीक बरू ईमानदार शत्रु ये ठीक। आइ हम नेकपा एमाले के एटा जनाधार के विषय करी, एक तो भ गया हमारे अहाँ के व्यवहारिक पक्ष, लेकिन राजनीतिक पक्ष एक देखल जाए तो देश के परिवर्तन के एक संभावना और जै तरह से बहुत मुद्दा सब एहन है जे अहाँ के की है जे संविधान संशोधन के विषय सब के आवश्यकता है, संविधान संशोधन के विषय में अय द्वितीय है के मत आना चाहिए से विश्वास है, एक मधेश प्रदेश के सचिव के हिसाब से कह रहे और अ चीज के लक हम सब की कर ली कि नेकपा एमाले से सहकार्य के लिए एक विश्वास एक आधार है, दोसर आधार कह लिए हम कैला कह लिए बात कैला कि ईमानदारिता भ सकिए, लेकिन दुश्मनों है तो ईमानदारिता भ सकिए, लेकिन मित्र है तो बेईमानी कत भ गेल है से तो देखल गेल है, लेकिन बेईमानी कत बेईमानी की भेलै आज जितेंद्र यादव ल नागरिकता छ तब आई अपने उम्मीदवार छी बजाबते विधिवत कागजी रूप में, लेकिन वही 8 लाख भी वाला जरा नागरिकता नहीं है जिनका इच्छा रहे जो हम चुनाव लड़ी किस परिवर्तन करी उ सब तक कहने से नहीं ताय दुखद बात है, दुखद बात है द्वारे कहली कि वास्तव में नागरिकता के समस्या होने न चाहे, अगर हम अहाँ अगर धर्म के माने छी, हम अहाँ संस्कृति के माने छी, हम अहाँ परंपरा के माने छी तो एटा कागज के खोस्टा या प्रमाण जो दे है प्रमाण होने न चाहिए वास्तव में कहबे तो कैला जै दिन सिंदूर द दे है जै दिन सिंदूर द दे है वही दिन से ही की है देश के नागरिक भ सके, कैला कैला कि ओकरा नेपाल के नेपाली में अगर विदेश के ही कोनो महिला अगर आवे है अपना नेपाल में कैला तो रोटी बेटी के संबंध है, तब जब आवे है जखन ते सिंदूर दान हुए मतलब ये धार्मिक रूप से हम सब की भले धार्मिक रूप से हम ये बहुत प्रकार विषय ही हुए
हम सब विरोध के लिए अहाँ के क्वेश्चन हो, लेकिन ये धार्मिक रूप से हम बात करे छी, सांस्कृतिक रूप से बात करे छी, परंपरा के बात करे छी, मतलब हर टचेबल बात कर रहा छी हम। ये चीज होने नहीं चाहिए वास्तव में कभी तो, लेकिन भ रहा है नेपाल में, एक मतलब आई से भ रहा है से बात नहीं। 2015 साल में नागरिकता के सवाल, 2020 साल में विधेयक, 2047 साल में संविधान में, अंतरिम संविधान 2063 साल, जे तो नागरिकता के तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहे ना। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तक तो जब तक भेटे ओ युवा सब जेकर पप्पा के मम्मी के सेहो जन्मसिद्ध नागरिकता है, ओ सब के ला नागरिक है। अपने सब वही शक्ति सब जो रे कहियो सत्ता समीकरण करे छे, कोई चुनावी समीकरण करे छे, जे बेरा बेरी वही चीज के रोक रहल छे, नै एना छे, अहाँ सब पर विश्वास केना करते नै एना करे छे। अहाँ के अइ बेर के जे सवाल बात करे छे, अहाँ के अखन देखने हेबे जे राष्ट्रपति संस्था कोनो एगो पार्टी मात्रे राष्ट्रपति संस्था नै निर्माण करे, राष्ट्रपति संस्था निर्माण करे के लेल सब आदमी, राष्ट्रपति संस्था निर्माण करे के लेल, मुख्यमंत्री संस्था निर्माण करे के लेल जनता समाजवादी पार्टी और मधेश के जनता के बहुत बड़का योगदान है। राष्ट्रपति संस्था जी का गरिमा में पद में रहकर अगर संविधान के विपरीत कार्य अगर करे है तो वो राष्ट्रहित विधि है। एक मतलब राष्ट्रपति संस्था नेकपा एमाले के कोनो भातृ संगठन नहीं है, हम इंगित कर चाहब। राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रपति देश के है, राष्ट्र के है, राष्ट्र हित में काज करना ही राष्ट्रपति के, मतलब जे अभिभावक तो निर्वाह करना ही राष्ट्रपति के नैतिक कर्तव्य है, कोनो पार्टी के नहीं रहे छे राष्ट्रपति के। हमरा आगे कल अतः यह मानसिकता है। राम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राम वरण यादव जी रहे तो हम सब कभी कहली कि नहीं राष्ट्रपति संस्था है, अगर संविधान जारी करे है तो गलत भ सके, राष्ट्रपति के नेपाली कांग्रेस के विषय नहीं के लिए संविधान तो जारी भेले ने, नेपाली कांग्रेस के मतलब विरोध कर तो वही तो अब अवस्था तो नहीं, हम सब तो राष्ट्रपति के भी विरोध के लिए। लेकिन राष्ट्रपति जब नागरिकता विधेयक अगर रोकल के तो वो राष्ट्रपति रोकल के नहीं कि नेकपा एमाले रोकल के, प्रश्न कर चाहे छी जनता के भ्रम में पार कर राख के आवश्यकता नहीं। हम तखुंदे कहलिए जे ईमानदार शत्रु बेईमान मित्र से नीक हुई, तो दोनों बेईमान मित्र तो नेपाली कांग्रेस भी जाए ना, तो बेईमान मित्र सब बनिया तो कम से कम सचेत तो छी ना। बेईमान सब के भीड़ में कनिक ईमानदार बेईमान के पकड़ लिया नहीं नहीं, तो तै द्वारे हम कहलिए कनिक ईमानदार बेईमान हम कथी कहलिए, शत्रु बढ़ाबी तो वार पार के, या तो हाँ या तो ना। नेकपा एमाले के साथ में सहकार्य एक ईमानदारिता के सहकार्य है, आखिर अपना मुद्दा पर ईमानदार है ना, ये नहीं कि हाँ अच्छी या नहीं अच्छी, हमार जनता समाजवादी पार्टी तो ईमानदार है ना, ते द्वारे ईमानदार ईमानदार के हम कहली ने जो शत्रु है तो मित्र भ सके, कहला तो ईमानदारिता एक कार्यक्रम के अंत दिस छी, अंत में अपने के दो शब्द किस राखे के होय तो राखल जाय। अपने के अपन टेलीविजन के परिवार अपन टेलीविजन के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र नंबर 3 पहले कहू, क्षेत्र नंबर 3 कहू, क्षेत्र नंबर 3 के क के जनता के हम कह चाहबे कोनो भूल भुलैया में नहीं पड़ू, अपन मत जेहने बेटी के कोनो घर में अहाँ दे छी तो 4 बेर अहाँ ओकर परिवार के अहाँ विषय में जानकार ले छी, कोनो एकटा घैला अपना सबके किन जाय छी बाजार में माटी के बर्तन तो 10 बेर ठोकै छी। हम जनता भगवान जनता जनार्दन से हम आग्रह करय चाहबे अपन अमूल्य मत एक दिन के लेल होइ है, अपन अमूल्य मत असत्य के पराजय के लेल, सत्य के विजय के लेल अपन अमूल्य मत दू, और हमरा विश्वास है अहाँ सब अइ बेर हमरा सबके जे अनुसार से गठबंधन है पार्टी से उठ के है, एकटा भावनात्मक संबंध भी है और राजनीतिक मात्रे नहीं, दीदी भाई के रिश्ता है, जूली महतो के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार छथिन, वो उनकर छाप है सूर्य छाप और हमर छाप है छाता छाप, अहाँ सब एक बेर विश्वास करू और भाई बहन के रिश्ता अटूट रहते
और हम सब दुनू गोरा पार्टी से उठ कर क्षेत्र नंबर 3 के विकास करब ई प्रतिबद्धता वचनबद्धता के साथ हम संपूर्ण जनता के निर्भय निर्भीक रूप से मतदान में जाओ और एकटा पहिल बैलेट देत तो में सूर्य में मारब छाप और दोसर बैलेट देत तो छता में मारब क्षेत्र नंबर धनसा क्षेत्र नंबर 3 क के लेल और दोसर के लेल जे तरह से आंदोलन भेल है ए आंदोलन के राबता परिवर्तन के लेल जनता अपन जनार्दन छी जनता मालिक छी अपन मत खसाब ये है हमर संदेश। अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। धन्यवाद दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन विशेष में आजुक हमरा सबक अतिथि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के कस प्रदेश सभा में जसपा नेपाल के उम्मीदवार जितेंद्र यादव जी से बातचीत भेल। ई जसपा नेपाल के प्रदेश कार्य समिति मधेश प्रदेश के सचिव से एक युवा नेता छथिन एखन नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार जे सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार से आ निवर्तमान मधेश प्रदेश सरकारक भौतिक पूर्वाधार मंत्री राम सरोज यादव संगे हिनकर प्रतिस्पर्धा छै ओहि क्षेत्र में चुनाव लड़ल छथिन हिनका संगे बातचीत भेल। फिर से दोसर श्रृंखला में दोसर कोनो विशेष व्यक्तित्वक संग उपस्थित होयब। एखन के लेल आज्ञा दिअ। नमस्कार।